अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज तो सुबह जब मैं उठी तो नाश्ता किया, अभी उठी तो घर मेहमान आ गए थे तो मेहमानों को भी नाश्ता दिया और खुद भी नाश्ता किया, और फिर कुछ कपड़े थे घर वाश करने के लिए। आपको पता है घर में इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर टाइम भी देना होता है, और इन दिनों में काम पीछे पीछे पड़ता वो ज़्यादा काम हो जाता है। तो फिर थोड़े से कपड़े थे घर के, वो सारे ख़त्म किए हैं, वाश किए हैं। फिर उसके बाद आज मेरी छोटी सिस्टर है तो उसका प्रेयर था, तो उसका प्रेयर था। मैं डर गई, मेरे पीछे मेरी सिस्टर आई है तो मैं समझा कोई आदमी आ गया, तो मैं उधर ही स्किप कर दिया वीडियो। तो उसके बाद मैं अपने हबी को बोला था कि मुझे आज मेरे मायके छोड़ आए। जाहिर सी बात अभी अच्छा मुझे भी नहीं था लग रहा उन्हें बोलते हुए, लेकिन इधर जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनका भी कुछ दिन पहले जब दादू की इंतकाल हुआ उसी दिन मेरी बड़ी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत अल्लाह ताला ने कुछ हाथ से दिया व काम आ गया तो उनकी जान बच गई है। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे से दे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बीमार हैं। मेरी अम्मी आजकल उधर होते हैं, और दूसरी जो दो सिस्टर हैं उनके छोटे छोटे बेबी हैं। तो जाहिर सी बात है ये छोटी है तो इसका पेट था, तो फिर अम्मी ने मुझे कॉल की, कहते हैं कि आप इधर आ जाओ क्योंकि इसकी देखभाल के लिए 2-3 दिन बस निकलवा जाओ, फिर उसके बाद तुम भी अपने घर चले जाना। तो मैंने बोला ठीक। तो फिर अभी साहब के पास काम था तो वो नहीं आ सके, तो फिर मेरे जो अब्बू हैं मीन्स के मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने बोला ठीक है बच्चा आप तैयार हो तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। फिर वो मुझे छोड़ के गए हैं अभी। तो पहले तो हम घर गए थे तो खाना शाना खाया, तो सिस्टर तो मेरी सुबह की इधर एडमिट थी, तो अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। बस बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला बंदे को थोड़ी सी आजमाइश में डाल देते हैं, और अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाइश में डालता है कि देखता है कि ये मेरा बंदा कितना सब्र और शुक्र अदा करता है। जितना भी मुश्किल वक़्त हो लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को वहाँ से नवाजते हैं कि बंदे की जहाँ से सोच भी नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं कि वो बस कहते हैं कि क्या पता कि हम ये चीज़ नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे तो ये बंदा नहीं। लेकिन वो जो अल्लाह की ज़ात होती है ना, वो वाहदहु ला शरीक अला, वो जाहिर सी बात अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी बढ़ के। तो अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा दें और सबकी बीमारियां दूर करें, सेहत वाली ज़िंदगियां दें सबको। तो अभी तो मैं अपने मायके में ही हूँ। जब मैं आई थी तो रास्ते में अब्बू के साथ थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मैं दिल था कि अगर मैं हबी के साथ आती ना तो फिर तो रास्ते में आपके साथ शेयर करती, लेकिन मेरे साथ अब्बू थे फिर मुझे शर्म आ गई तो मैंने नहीं बनाई। तो अभी चलें मैं आपको दिखाती हूँ ऑपरेशन थिएटर में उसे ले गए, फिर जब वो इंशाल्लाह उसका वैसे भी जिस चीज़ का ऑपरेशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या निकला है। तो चलें मैं आपको अब दिखाती हूँ ऑपरेशन थिएटर जिसमें वो गई हैं, और ये रहा ऑपरेशन थिएटर। तो इधर उसे ले गए हैं, तो आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। आगे मैं इसलिए नहीं जा रही कि आपको वो बेंच नज़र आ रहा होगा, उधर जेंट्स कुछ बैठे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे घर वाले भी बैठे हुए हैं तो आप सब भी दुआ करना। बस आजकल तो अल्लाह माफ़ी दे हमारे घर में तो पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई है, कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। आप सब दुआ करना कि अल्लाह ताला मुसीबतों से दूर रखें। चले मैं फिर आपको थोड़ी देर तक मिलती हूँ। बहुत ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी पथरी है अंदर, इतना कितना मोटा हुआ है। एक से ज्यादा है तो
हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर ने बोला है कि मुबारक हो, आपका ऑपरेशन जो है कामयाब हो गया है। और आपने देखा होगा कि उसका जो पित्ता है कितना ज़्यादा स्वेलिंग कर गया था और कितना बड़ा कंकर निकला है। वो तो तकरीबन 6 माह हो गए हैं इस कैफियत से गुजर रही है। हमने उसका प्रेयर तो कब से करवा लेना था, लेकिन वो पहले एक दफ़ा ही उसने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप पित्ते को भी रहने दो, आप टाइम निकाल सकते हो, लेकिन आपकी जो पैंडस है ना वो आपको ज़्यादा डिस्टर्बिंग दे रही है। तो उस टाइम हमने इसके पैंडस का ऑपरेशन इन्हीं डॉक्टर से करवाया था, तो इन्होंने बोला था कि ये अभी बच्ची है तो आप 6 माह बाद फिर दूसरा करवाना। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितना भी अदा करें कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी छोटी बहन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला है बस ये जो चीज़ थी जो उसे तंग कर रही थी वो निकल गई है। इसी तरह मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने प्यारों का ख्याल रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, क्योंकि दुनिया से जब बंदा चला जाता है ना तो फिर बंदे को एहसास होता है कि मैंने फलां बंदे की कदर नहीं की। जब तक आप ज़िंदा हो ना तो कुछ नहीं, तो किसी का एहसास कर लो बस। तो चले, मैं आपको जब वो बाहर आती है तो फिर आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है।